विधानसभा चुनाव में नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से जहां शनिवार को भाजपा के नरपत सिंह राजवी के अलावा पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावता ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, वहीं बीजेपी से टिकट काटे जाने के बाद दो बार से चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या सोमवार को अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना को देखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इसको लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और उनके समर्थक पूरे विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और नामांकन में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने कई समाजजनों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने और नामांकन रैली में भाग लेने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार रोचक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के अलावा कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावता और भाजपा से टिकट काटे गए दो बार के चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। देव समाज ने बहुत बड़ा साथ दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और 10 साल से मैं जिस चेयरमैन बनाऊँ उसमें भी आप सब लोगों का एमएलए बनाऊँ या चेयरमैन बनाऊँ उसमें भी आप सब लोगों का आशीर्वाद खूब रहा है। और अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भी आप सब लोगों ने काफ़ी संबल बताया, काफ़ी हिम्मत बनाई और आज जो स्थिति चित्तौड़गढ़ विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी बन गई उसके पीछे आप सब व्यापारी लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बड़ा कारण रहा कि आप लोगों ने जो माहौल विधानसभा में क्रिएट किया है वो वास्तव में पूरी विधानसभा का हर बूथ देखो, हर गांव देखो, हर कस्बा देखो, हर मोहल्ला देखो, हर समाज देखो, हर व्यापारी देखो, आप कहीं भी जाओगे ना तो ये जरूर कहेंगे कि वास्तव में चंद्रभान जी ने काम भी किया है, साथ भी खड़े हैं, सुखरूप भी खड़े हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उनको 15 साल तक पीछे मेरे यूथ भाइयों ने तो नहीं देखा है पर काफ़ी सीनियर बैठे हैं, उन्होंने 15 साल का कार्यकाल देखा है। 15 साल के कार्यकाल में वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, किनके साथ उठना था, किसके साथ बैठना नहीं था। और जब मिलने जाते थे तो वहाँ जयपुर भी एक एक दो दिन भी नहीं मिल